मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश मना रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। शहर शहर रावण दहन हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं। आपको भी रावण दहन की भव्य कवरेज हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं बिहार की राजधानी पटना की। वहां पर देखिए रावण दहन की तैयारियां इस वक्त अपने अंतिम दौर में है। फिलहाल आतिशबाजियां वहां पर हो रही हैं और अब थोड़ी देर बाद पूरे देश भर से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। ये फिलहाल पटना की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त जो तैयारियां हैं रावण दहन की वो हो रही है और आतिशबाजियां की जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सत्य की जीत बुराई की हार का ये त्यौहार हर साल इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि दिलों की बुराई, मन की बुराई, हमारे समाज की बुराई को दूर कर रावण एक प्रतीक के तौर पर जलाया जाता है। और ये देखिए सोने की लंका जलाने का वो दृश्य जो है उसे इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके से सोने की लंका का दहन हुआ था जिसके बाद सर्वनाश हुआ था बुराई के प्रतीक रावण और उसकी उस लंका का। और यही मंचन इस वक्त गांधी पटना की तस्वीरें हैं, ये वहां पर इस मैदान में हो रहा है। और देखिए बड़ी संख्या में लोग भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अभी तो लंका दहन आप देख रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ पर रावण को भी जलता हुआ देखेंगे, उस पुतले का दहन देखेंगे जिसे देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं। देश भर में आज धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण दहन अब से थोड़ी ही देर बाद होना शुरू हो जाएगा और सदियों से चली आ रही ये परंपरा जो है वो निभाई जाती रही है। दशानन का दहन और उससे पहले जिस तरह से रामलीला का मंचन होता है पूरे 10 दिनों तक और आज आखिरी दिन इसी के साथ रामलीला भी समाप्त हो जाएगी जब रावण का पुतला, ये देखिए फिलहाल रावण का पुतला जो आपको सीना तान कर खड़े हुए दिख रहा है ये अब से थोड़ी ही देर बाद इसका दहन होगा। और हर साल इसी तरीके से एक प्रतीक के तौर पर जो दहन किया जाता है। दो तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, पटना की तस्वीरों के बाद आपको कुछ और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर है पहली और दूसरी मैसूर की तस्वीर है जहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग आज निकले हुए हैं। कई जगहों पर झांकियाँ भी निकाली जा रही हैं और रावण दहन का इंतज़ार अब किया जा रहा है। लोग भी अपने अपने घरों से निकल कर आसपास जहाँ भी, अच्छा ये शोभा यात्रा है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, तो शोभा यात्रा भी कई जगहों पर निकाली जा रही है। और देखिए आप एक बार फिर इन तस्वीरों को, सोने की लंका का दहन इस वक्त हो रहा है और कुछ इसी तरीके से भगवान श्री राम और उनकी पूरी सेना ने जिस तरह से उस बुराई का अंत किया था वही मंचन हम रामलीला के दौरान देखते हैं। वही किरदार और उसी संदेश को हर बार लेकर उस रामलीला के जरिए। और ये देखिए अब दहन भी शुरू हो चुका है पटना में। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, रावण बुराई कर रहे हैं। पापा भी आए हैं क्या? हमको लगा आए होंगे। पटना में रावण दहन और देखिए दशहरे की जो परंपराएं हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियों के अनुरूप होती है। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आचार्य जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगी आचार्य गोविंद जी,
आप जरा इन तस्वीरों का बखान करें, समझाएं हमारे दर्शकों को कि आज के दिन विजयादशमी, विजय पर्व जिसे कहा जाता है, क्या महत्व है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले एबीपी न्यूज को जो भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं देश भर में, उनको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुख समृद्धि से बढ़ें, सबके रोग शोक दुख संताप दूर हों। विजयादशमी पर्व भारत का प्राचीनतम पर्व है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई और देवताओं को स्वर्ग से निराकृत कर दिया, महिषासुर आदि दैत्यों ने, शुंभ निशुंभ आदि, वो पृथ्वी में विचरण कर रहे थे, तब भगवती जगदम्बा परम्बा त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी भगवती दुर्गा ने अवतरण लेकर के वो आसुरी शक्ति का संहार किया। इसलिए नौ दुर्गाओं का नौ दिन तक आराधन करने के बाद विजयादशमी के दिन भगवती अपराजिता शक्ति का पूजन करने के साथ ही नवदुर्गा उपासना संपन्न होती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।